सबसे ज़्यादा महत्व का एक पदार्थ मिलता है जिसको कि आप रॉयल जेली कहते हैं। रॉयल जेली एक ऐसा पदार्थ है कि जिसको खाने से एक हार्मोनियल इफेक्ट आदमी में होता है। विदेशों में इसकी कई कैप्सूल बड़े पैमाने पे इसको बेचा जाता है, इसको प्रसादनों में वापरा जाता है, इसको कंजम्पशन के लिए भी लिया जाता है। रॉयल जेली एक ऐसा पदार्थ है कि जिसके थोड़ी मात्रा में देने से वर्कर बीज यानी काम करने वाली मक्खी पैदा होती है, और इसको अगर थोड़ा बढ़ाया जाए तो क्वीन बीज यानी रानी मक्खी पैदा होती है। वैज्ञानिकों ने उसी तरह से सेंट्रल बी रिसर्च इंस्टीट्यूट पुणे ने इस पर खोज करके यह पाया कि अगर इस रॉयल जेली को अलग से निकाल के इसको प्रिजर्व करके इसका पाउडर बना के अगर बेचा जाए तो किसान भाइयों को अच्छी मात्रा में आमदनी हो सकती है। और इसी मुद्दे को नज़र रखते हुए हमने कई जगह में रॉयल जेली के प्रोजेक्ट चलाए हैं, रॉयल जेली के एक्सपेरिमेंट किए गए हैं, और आज हम इस नतीजे पे पहुँचे हैं कि हमने यह तय किया कि भारत के जो अच्छे बीकीपर्स हैं जिनके जैसे के पास 200-300 से ज़्यादा मधुमक्खी परिवार है, उन लोगों को हम इन्वाइट करके हमारे यहाँ रॉयल जेली का प्रशिक्षण देंगे। वैसे तो भारतवर्ष में रॉयल जेली की पैदाश कमर्शियल बेसिस पे अभी हुई नहीं है, फिर भी हम ये दावे के साथ कह सकते हैं कि एक कॉलोनी से आधा किलो रॉयल जेली, अगर अच्छी कंडीशन है, अच्छी मात्रा में पोलन मिलता है, तो आधा किलो रॉयल जेली निकाल सकते हैं। रॉयल जेली का रेट करीब 8,000 रुपये के जी है। विदेशों में इस मधुमक्खी पालक शहद से ज़्यादा रॉयल जेली निकालते हैं, और ऐसे कई सारे पालक हैं कि केवल रॉयल जेली के लिए अपनी मधुमक्खी को तैयार कर सकते हैं। इस प्रकार किसान भाई मधुमक्खी पालकर फूलों से पुष्प रस और पराग का दोहन करके शहद, मोम और रॉयल जेली आदि का व्यवसाय करने के साथ साथ पर परागण वाली फसलों के उत्पादन में 25 से 30% तक की वृद्धि कर अधिक लाभ कमा सकते हैं।